नमस्कार दोस्तों दोस्तों, आज सभी के सामने मैं आया हूँ कुछ प्रूफ लेकर, कुछ बताने के लिए कि आखिर कटअप हाई जाएगी या लो जाएगी। कुछ दोस्तों ने मेरे पिछले वीडियोस में कमेंट किए थे कि बोल सर, आप कटअप इतना कम बता रहे हैं, कटअप आखिर इतना कम क्यों जाएगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया हूँ दोस्तों, आप लोग सिर्फ बारीकी से देखते जाएँ। और मैं एक बात और बता दूँ आपको कि मैं जो कुछ भी अभी सामने दिख रहे हैं, कुछ किसी लड़के लोग का कमेंट है, मैं उन्हें किसी का यूट्यूबर्स का वीडियोज़ का कमेंट देखा और बहुत लोगों से पूछा भी, और मैं ये सब यहाँ पे रखा हूँ, ये सब बताने के लिए आखिर प्रूफ दे रहा हूँ थोड़ा सा, और बताऊँगा आपको आखिर आगे क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे 28 आ रहा है पार्ट ए में, पार्ट बी में 26 जा रहा है। आगे जाइए देखिए, पार्ट बी में 22 है, और इधर देखिए 53 है, 10 है, और यहाँ पर 32 है, 21 है, और आगे जाइए आप फिर थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप वीडियोज़ को अंत तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इसमें पार्ट 18 है और यहाँ पे 39 है, 58 है, चलिए ठीक है। आगे थोड़ा सा आइए आप लोग देखिए, 49 से 13 है, और यहाँ पे आइए 13 पॉइंट समथिंग जो कि है पार्ट बी का है, 58 31 आ रहे हैं, और एक सेकंड दोस्तों आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे ओबीसी के लिए जो भी है इन्होंने दिया है, पार्ट ए में 43, पार्ट बी में 30। देखिए दोस्तों, कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लोग 70 भी लाए हैं, ये बात है, 70 लोग भी लाए हैं, 70 भी लाए हैं, कुछ लोग 80 प्लस भी किए हैं, 60 प्लस भी किए हैं, लेकिन इस बात को हम मान रहे हैं, अच्छी तरह से मान रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे क्रॉस किए, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पार्ट बी, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग कमेंट नीचे देख लीजिए, देखिए इनका है 24। और दोस्तों थोड़ा सा मैं ये चीज़ बता दूं कि जिन लोगों का कमेंट यहाँ पे मैं अगर किसी का दिख जाए तो उन लोग कृपया बुरा ना माने, अगर उनको बुरा लगे, क्या किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुँचाना चाहते दोस्तों, किसी को बुरा ना लगे, मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। और वैसा अगर किसी को लगे तो मुझे कमेंट में करें, मैं इस तरह की गलती दोबारा नहीं करूँगा, और अगर गलती आपको बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। और देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट बी में 12 है, यहाँ पे ए में 14 है, 64 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे सिर्फ इनका हो सकता है, तो पार्ट बी में हो सकता है। आगे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, 40 मार्क्स है ये है, इनका स्कोर देखिए कितना खतरनाक था, 64 था, और पार्ट बी में मात्र 12 है, तो नॉर्मलाइजेशन में आप क्या हो सकता है तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पे खतरनाक है इनका। आगे देखिए 43, 30, और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 70 प्लस लाने वाले भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं जो आप सबों के सामने पीसीएम के लिए गोरखपुर जोन है, 57, 24 है, आगे देखिए 12, 64 है, और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये 40 है, 22 है, और मैं प्रूफ बताऊँगा आगे आपको, और भी बताऊँगा कि आखिर क्या होने वाली है। देखिए 41 है, 34 है, 57 है, ये है, और थोड़ा सा आप लोग खुद से देख लीजिएगा, देखिए बहुत ये कम है। और मैं चलिए बताता हूँ आप सबको, अब आखिर प्रूफ देता हूँ कि आखिर हो कटअप क्यों कम जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए, जब CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ था, CBT 1 का जिस टाइम एग्ज़ाम हुआ था, तो सभी मतलब स्टूडेंट उस टाइम नहीं मिल पाया था, और आप लोग का 6 गुना, लगभग अप्रोक्स 6 गुना लिया गया था, कहीं कहीं 8 गुना हुआ था, कहीं कहीं 10 गुना हुआ था, वो तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम एक एवरेज लिख चलिएगा तो आप लोग कम से कम, हमको लगता है कि 8 गुना मान लीजिए, चलिए 8 गुना लिख चलते हैं, चलिए ठीक है 8 गुना, ठीक है। अब जब दोबारा जब रिजल्ट आया तो उसमें से आप लोग देखा होगा कि 31 गुना रिजल्ट दे दिया है, या तो 32 गुना कहीं कहीं दे दिया है, कहीं 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 20 गुना दिया है, कहीं 44 गुना भी दे दिया है बोर्ड ने। लेकिन दोस्तों आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि जो लोग ITI हैं, डिप्लोमा हैं, या तो फिर बीटेक डिग्री किए हैं, उन लोग में इतना गुना नहीं गया है दोस्तों, क्योंकि शुरुआत में ITI टेक्नीशियंस, ITI और जो जो कुछ भी थे उन लोग, ये डिप्लोमा उन लोग के लिए स्टूडेंट नहीं मिला था, और नहीं मिलने के कारण, ठीक है, आप लोग का 6 ही गुना लिया गया था, लेकिन कहा गया था कि 15 गुना लिया जाएगा, समझ जाइए 6 गुना लिया गया। और दोबारा जब रिजल्ट आया तो उतना जो 31 गुना गया था, और 20 गुना गया था, कहीं 44 गुना गया था, वो था क्या कि PCM वाले को लिए गए, PCM वाले लोग लड़का लोग लेके लिए थे, और PCM वाले का जब क्या हुआ कि सबका कर दिया, कि जो जो भी है PCM वाले हो या तो फिर ITI वाले हो, तो जो कि अगर 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 ITI और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होते तो उस टाइम ही ले लेते, फर्स्ट 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 रिजल्ट जिस टाइम दिए थे उसी टाइम, लेकिन उस टाइम बच्चा बच्चा नहीं मिला। हाँ कुछ बच्चे बढ़े, एक दो नंबर से जो घट रहे थे, किन्हीं का क्वेश्चन रॉन्ग था सही हुआ और ये उनका मार्क्स मिला, कुछ लड़के बढ़े थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा जो था स्टूडेंट इंक्लूड हुए सो PCM वाले लोग हुए।
अब आपको मैं दिखाता हूँ आगे, देखिए अब बता बता देता हूँ कि जब जब CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है आप लोग थोड़ा सा यहाँ नीचे आ जाइए। अब जब CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ तब क्या हुआ कि मान लीजिए कि 10% लोग तो अब्सेंट किसी भी हालत में हो ही गए होंगे, ठीक है। अब 6 गुना आप लोग मान लीजिए, 8 गुना आपको, चलिए 8 गुना लेते हैं, 8 गुना ले लिए, 8 गुना लड़का लोग आपका मान लीजिए थे एक सीट पर, ठीक है। अब उसमें 10% लोग क्या थे कि अब्सेंट होंगे। अब कम से कम तो 40% ऐसा लड़का है, हम तो 40% कम ले रहे हैं लेकिन 40% से ज़्यादा ही होंगे, 40% ऐसा लड़का है जो मिनिमम क्रिटेरिया को पास नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 26.75 नंबर नहीं ला पा रहे हैं। और आप बताइए नॉर्मलाइजेशन जिस बच्चे का 10 नंबर है तो क्या उसका 26 हो जाएगा? ऐसा नहीं। क्या जिनका 7 नंबर है उनका 26 हो जाएगा? ऐसा नहीं। तो 40% जो है वो मिनिमम क्रिटेरिया को पास नहीं कर पाए। अब आपका 8 गुना था, अब बच गया 4 गुना लगभग, या तो हम 5 गुना लेते हैं, चलिए 5 गुना, ठीक है। अब 5 गुना बच्चे जो मिनिमम क्रिटेरिया को बच गए हैं, मतलब आपके आपकी कंपटीशन में मात्र 4 से 5 गुना बच गए हैं, चलिए आपके अनुसार आपके, चलिए आप लोग चाहते हैं तो 6 गुना मिलते हैं, चलिए 6 गुना बच्चा आपको मान लीजिए बचा हुआ है, ठीक है। अब बताइए कि 6 गुना जब बच गया है बच्चा, और उसमें से आपको साइको के लिए बुलाना है, मेडिकल के लिए बुलाना है, तो कम से कम 5 गुना मान लीजिए बुला देगा, एक ही गुना लड़का लोग छट सकता है, इन केस ऑफ छट सकता है, ठीक है। अब इतना ही बच्चा छटेगा तो आखिर कट ऑफ लॉक क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं जोन वाइज कट ऑफ लेकर आऊँगा, मैं अभी सब डाटा कैलकुलेट कर रहा हूँ, सभी वीडियोज़ के यहाँ पे जो भी कमेंट मिल रहे हैं मैं उसे इंक्लूड कर रहा हूँ, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जोन वाइज कट ऑफ निकालूंगा और जो भी निकालूंगा सटीक निकालूंगा। और अब आपको लगे कि नहीं ये चीज़ आप गलत बता रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं चीज़ सुधारूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों मैं ये यूट्यूब पर नहीं आने वाला था, मेरे कुछ बच्चे ने कहा कि सर आप यूट्यूब पर आइए, और मैं यूट्यूब पर आना वही लोग बच्चे लोग ने मुझे इस चैनल को बना दिया, बोले सर कि आप लोग ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे होता है वैसे होता है, उन्हें लोग बताया मुझे और बोला कि सर आप थोड़ा सा ये साइंस का बैच मैं पढ़ाता हूँ, क्लास लेता हूँ बच्चे लोग से, तो बोला सर साइंस का जो है बैच आप लीजिए। तो दोस्तों अभी जो 2019 में न्यू वैकेंसी आने वाली है जो कि ग्रुप डी का लगभग 1 लाख है, और NTPC लगभग, और ये TC और ये सब जो पैरामेडिकल के लिए है जो कि 30,000 है, उसमें से मैं साइंस का एक न्यू बैच लाने वाला हूँ, मार्च से स्टार्ट होगा, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों आपको अच्छा लगेगी, नहीं अच्छा लगेगा आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिसलाइक करके वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि आप अच्छा नहीं पढ़ा सकते हो, आप चैनल को बंद कर दो। मैं दोस्तों कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं पढ़ाऊँगा आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए मैं तो बता देता हूँ कि आखिर कट ऑफ जाएगी तो थोड़ा बहुत किन के लिए हाई जा सकती है, ठीक है। अब बताता हूँ कि कट ऑफ जो कुछ है तो PCM वाले जो भी बच्चे हैं, PCM वाले में ये कहा नहीं जा सकता है, 65 या 70 ये हो सकता है उन लोग के लिए इतना चलेगा, ये बात तो सच है, लेकिन आप इस बात से निश्चिंत रहें कि जो लोग मिनिमम क्रिटेरिया पास कर गए हैं उन लोग अगर 40+ ला रहे हैं, मैं चीज़ को नीचे दिखाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए आपका कहीं भी चांस है, क्योंकि साइको के लिए 5 गुना कम से कम तो बुलाएगा दोस्तों, ठीक है, मेडिकल है उसके बाद, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट का तो जो प्रक्रिया इतना खतरनाक है चीज़, ऐसा कर दिया गया है रेलवे, जो कि बहुत फ़ायदा होने वाली है। देखिए ये सब जो कुछ मैं अर्थ दिखा देता हूँ, ये कमेंट दिए गए हैं, और मैं एक बार और बता दूँ कि अगर किसी को दुख लगे किसी का कमेंट यहाँ पे हो, इसलिए मैं देखिए यहाँ पे फोटो और ये भी उनका नाम मिटा दिया हूँ ताकि किसी को दुख नहीं लगे, और आप लोग ये ना देखें कि किसी का कॉपी पेस्ट करता है। देखिए दोस्तों डाटा कहीं से कहीं मिलेगा, कोई यहाँ पे ये खुद से नहीं कर सकता है, किन्हीं से लोग देख के कहीं से समझ के किसी से पूछ के और बना रहा हूँ। और दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको मैं बेनिफिट दूंगा, और न्यू कटअप लेकर आऊँगा, 4 से 5 दिन लगेगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप में आपको मैं बताऊँगा क्या हो सकता है नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों आप मैं आता हूँ कि आखिर कटअप क्या हो सकती है, मैं जो ये कटअप बता रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ आपको, ये मैं पिछली वीडियो बनाया हूँ, देखिए ALP के लिए बता रहा हूँ, जो असिस्टेंट मतलब ये जो ड्राइवर के लिए भरे हैं रेलवे ड्राइवर के लिए जो है उनका, देखिए दोस्तों अगर जनरल है ना तो 42 से 45 है ना, तो आप निश्चिंत मानिए, आप एकदम निश्चिंत रहिए अगर मिनिमम क्राइटेरिया को पास कर गए हैं तो, एकदम भूलिएगा मत मैं चीज़ बता रहा हूँ। और OBC हैं तो 38 से 42, और SC ST है 35 से 38, इसमें से 2 माइनस हो सकता है, 2 प्लस कीजिएगा अपने मन से, लेकिन अगर इतना आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिएगा आपका रिजल्ट है, आप साइको में जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसका गारंटी लेता हूँ। देखिए दोस्तों आपको देता हूँ फिर टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन में अगर इसमें थोड़ा सा लॉग जाएगा क्योंकि टेक्नीशियन के लिए ज़्यादा सीट दिया गया है, और जनरल के लिए इसमें 38 से 40 जाएगा, और OBC के लिए 35 से 40,
और SC ST या जो भी है उनके लिए, इन लोगों के लिए कंबाइंड निकाल दिया। थोड़ा सा इनमें इन दोनों में थोड़ा सा ये क्या होता है, एक नंबर का अलग फ़र्क हो सकता है, क्योंकि SC ST के लिए थोड़ा सा अलग जाता है, लेकिन मैं ये कंबाइंड निकाल दिया हूँ 32 से 35। अगर 30 भी मानिएगा कोई दिक्कत नहीं, अगर वहाँ पे 37 भी मानिएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब PCM वाले के लिए दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर भी एक निकाल दिया हूँ कि 68 से 70 अगर है या तो फिर इससे प्लस कुछ जा रहे हैं तो आप निश्चिंत हैं। OBC के लिए 65, और ये PCM में थोड़ा सा कट ऑफ हाई भी जा सकता है दोस्तों। मैं इस चीज़ के लिए इसलिए बताऊंगा क्योंकि PCM का जो कि था पार्ट बी था वो बहुत इजी था, बहुत इजी था। अगर जो PCM फिजिक्स मैथ रखे थे उन लोग के लिए एकदम पास करना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि बहुत इजी था, बोर्ड मार्क्स दिया था, और बहुत सारे जो आप लोग सिलेबस में देखे होंगे कभी। SC ST के लिए इतना जाएगा, और OBC के लिए दोस्तों अगर ये सब मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे और आपको अगर उम्मीद है कि आगे मैं वीडियो बनाऊं, मुझे आप सपोर्ट करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आखिर क्या सुधारना है मुझे। और मैं 5 दिन, लगभग 4-5 से दिन में जोन वाइज कटअप लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा कि आखिर वास्तविकता क्या हो रही है क्या नहीं है। दोस्तों धन्यवाद, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।